बस मजा मजा। अरे मन मर्जी मत करो, मत वैशाली में नंबर दे जा रहे हैं ना, उधर नहीं किधर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज। दो बुजुर्ग दंपति है, पिछले 3 दिनों से राजेंद्र नगर में फंसे हुए थे। आप लोग कहां पे फंसे हुए थे? 4 नंबर रोड में। क्या वहां पे आप लोग रहते हैं कि? अपना मकान है। क्या हालात है वहां पे अंदर? हालात क्या बतावे, एकदम ना पानी ना कुछ, लाइन भर सब एकदम हालात है। अब आप लोग कहां जा रहे हैं? हम लोग घर जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। कलकत्ता जा रहे हैं। देखिए, माँ भी फंसी हुई थी, इनसे भी जानते हैं। माँ, क्या किस तरह के हालात थे अंदर में? क्या हालात को करेंगे बोलिए बाबा, मोंती लोग थोड़ा सुनता है। तो देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे बुजुर्ग दंपति का कहना है कि काफ़ी जो हालात है अंदर के काफ़ी ख़राब है, और पिछले 3 दिनों से रोड नंबर 4 में फंसे हुए थे और आज 5वें दिन ये वहाँ से निकल पाए हैं। तो इस तरह के हालात अभी भी राजेंद्र नगर में है। ये एक बुजुर्ग दंपति का मामला नहीं, अभी ऐसे हजारों दंपति जो हैं, हजारों बुजुर्ग जो हैं, अभी भी राजेंद्र नगर के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए हैं। और ऐसे में जो स्थानीय युवक है, स्वयंसेवक है, वो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को जो है वो लोगों को, फंसे हुए लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। वो दूत बन के आए हैं और वो ऐसे लोगों करके रेस्क्यू करके बाहर ला रहे हैं, जबकि ये काम जिला प्रशासन का होना चाहिए, लेकिन अभी भी जिला प्रशासन की चुप्पी जो है वो परेशान करती है लोगों को, जो है वो आश्चर्यचकित करती है कि आखिर इन तमाम चीज़ों के बावजूद पटना जिला प्रशासन कहाँ सोया हुआ है और कब तक ज़रूरतमंदों को राहत जो है वो नसीब होगी। नवनीत कुमार, देसी न्यूज़, पटना।